पे सभी तीर्थ का जलाना चाहिए। आप बताए पंडित जी आप बोलते करो, ऐसे नहीं, कोई भी व्यक्ति सभी तीर्थों में नहीं जा सकते हैं। ऐसे एक ही व्यक्ति है जो सर्व तीर्थ में जाते हैं। अच्छा कौन है? भगवान, एक भगवान। कौन से? सूर्य नारायण। आप यहाँ पे भी दिखेगा, वाराणसी में भी दिखेगा, किधर भी जाओ, कोलकाता में भी जाओ, या हिंदुस्तान के हिंदुस्तान से दुनिया किधर भी जाओ, सूर्य नारायण आपको हर जगह पे। तो सूर्य नारायण की जो किरणों होती है उससे बाष्पीभवन होता है, उससे जो बरसात होता है पानी का रिसाइकल होता है। तो सभी तीर्थ पानी पवित्र क्यों है? ये सभी तीर्थ का जल इसके अंदर होता है। तो अभी हम भगवान से प्रार्थना किया, वरुण देवता जल को शुद्ध करता है, नदी में तालाब में कुएं में कुछ होता है, जीव जंतु लेकिन ये जो समुद्र का जो जल, जो नदी तालाब का जो जल है उसकी बात हम कर रहे हैं, उसको शुद्ध करता है कछुआ। तो हमने कैसे आशा किया तो कछुआ था, मछली और कछुआ। अभी उसके बाद यहाँ पे हमारे दो रक्षक होते हैं। पहले रक्षक है भैरव जी जो दक्षिण दिशा के अंदर है, और दूसरे जो है हनुमान जी है वो उत्तर दिशा में है। तो हमें दोनों जगह से रक्षण करना है, तो दोनों देवताओं को आपको प्रार्थना कर रही है। कुंडली दंड पाणे कर्तुम नीला व्यालय धनो सवेति कटु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति पटुकनाथ सिद्ध दह साधकाना पंकज दिव्य राज्य सेव्य मान पावे रामाय राम भद्राय राम भद्राय वेदने रघुनाथाय नारदाय सीताय भवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम श्री राम राम नमकस राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम लोकाभिराम हस्ते जलमादाय ऋषि मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सूत्रम छंदा कुर्मो देवता
आसने नियोगः सूर्य भगवान को नमस्कार करके अर्घ देना आप ले लो एक हाथ में ऐसा सब कोई आप हाथ लगाए पंखड़ी डाल दो आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जलमातरसहस्रे सूर्यारिद्रं प्रजायते ये सूर्यसहस्रांशो तेजो राशि लक्षते अल्पं प्यां महत्यां विहारान् गौरवाकरः दत्तं नमामान् महाशक्ते सुनारायण महा आकाश मंडल में सूर्य भगवान को नमस्कार कर लीजिएगा आक्षण रजसा वर्तमान निवेशयन्न अमृतं मृदंज हिरण्येन देवो राजगुणानि वसयन्नः सर्वत्र सुनारायण नमस्कारं समर्पयामि देव्य राजस्य व्यमान पावनागे दीप दिवा करो सीताम नमः यहाँ पे हमें तीन साक्षी है पहला सूर्य नारायण दूसरा जो दीप बना है दूसरा है पूजा की साक्षी कितने देव है और तीनों ये पृथ्वी के अंदर कितने हैं सूर्य नारायण महसूस होते हैं दीप नारायण बात लगाई मुझे पता चलेगा आप दिखते के ब्राह्मण आपसे बात कर रहे हैं भगवान तो हमने ये पूजा के अंदर तीनों देवताओं को साक्षी में रखे जो आप प्रत्यक्ष खुद देख सकते हैं और अनुभूति कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे उनका वास है ऐसे तो माता पिता गुरु हवा जल वायु सब है लेकिन उसी सिर्फ अनुभूति होती है सबको समदृष्टि रखते हैं तो ये तीन हमने साक्षी रखे हैं अभी देखो बिना बुलाए हुए आते तो यहाँ पे भी ऐसा ही है सभी देवताओं को आपको यहाँ पे आमंत्रण देना है फिर उसका स्वागत करना है बैठने के लिए आसन देना है आसन कैसा होना चाहिए तो यहाँ पे भी हमें देवताओं को बिठाना है तो आसन कैसा होना चाहिए बताइए अभी 26 जुलाई की बात करते हैं 26 बदलाव गई थी 2005 में 27 जुलाई थी उसमें भी आप देखो आपको फंसे नहीं देना परिवार के लिए कोई नहीं करता वो देखो मेरी बात सुनो बच्चे अपने लिए परिवार के लिए हमारे पेट के लिए ये जो पेट है उसके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं और पेट के लिए क्या चाहिए खाना चाहिए क्या चाहिए अन्न चाहिए तो ये हमने जो धान्य रखे हैं तो परमात्मा से बताइएगा कि हमारे जीवन में अनमोल वस्तु क्या है अन्न
धान्य तो हमने परमात्मा के लिए अनमोल वस्तु रखी है, चिंता तो सोना चाहती है, हमारे अनमोल वस्तु है आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, परमात्मा के लिए नहीं है, हमारे तो धान्य अनमोल होते हैं, परमात्मा को मिलेगा कि हे परमात्मा हम आपके लिए अनमोल वस्तु जो रखी है उसमें आप विराजमान हो जाइए, उसके बाद उसकी सेवा करनी चाहिए, कोई भी साधु संत माता पिता और जो हम माता रानी की पूजा करते हैं दशहरे के दिन जो छोटी बच्ची लोग को कैसे करते हैं सुदामा चरित्र में आते हैं कि सुदामा जी द्वारका जी जाते हैं तो उसकी सेवा कैसे करते हैं, फिर उनको आगे का पूरा बताते जाएंगे आपको समझ में आएंगे पूरा परिवार को बुलाना है। देखो आप भी पूरा परिवार से पुकारा करते हैं, हम भी उनकी पूरा परिवार की पूजा करेंगे तो रिधि सिद्धि लाभ सुख जय विजय यश की हरि शिव पाए। भगवं तूलकं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दं व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारदार्द्रै सिंधूर शोभाकरं वंदे शैलसुतास्तं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं गणानां स्वागतं भवामहे प्रियानां द्वारयोदिगं भवामहे निधीनां द्वारयोदिगं भवामहे भदो मंगलाहरणं गणवाचो भजाजगमनो सभी के महाराज जी के ऊपर किया करो। लक्ष्मी नारायण सरस्वती खरवं तूल ओम मास संकचक्रम सकृत मंडलम सवेद वज्रम सरसेतु हेक्षलम सहार वक्षा सलमालु वस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजा पुनस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा गंगा तरंगरमणे यलता कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भजवे विश्वेश्वराय नमः विश्वनाथाय नमः शाम स्फटिकेश्वराय नमः ध्याय ध्यानाथे पुष्पाणि समर्पयामि आवाहनाथे अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि। आवाहन के लिए अक्षत पुष्प दे दीजिए। आवाहन मुझे आमंत्रण देना है, इनविटेशन कार्ड दे दीजिए। परमात्मा हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, आप हमारे द्वार में पधारिए। तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वार में आते हैं तो पहले उसका फूलों से स्वागत होता है, तो तीन बार बोलना है सुस्वागतम सुस्वागतम। ओम मा वर्तमो मा तदो ओम मा एता वान्से वेनिनो रोजायाम सबोरुका पादो रजा भूता निद्वाद्यां वदन्दु वेद्वाद्वोर्वेद्वोर्वा पादो सेहा भवत्मलाहतो विपन्द्रा मसासनाम हने अभितो विराजायत विराजो अधिपूरुका रजातो यर्जपच्चात्